माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारस्य व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये तो मैंने छठी में पास होने के लिए संस्कृत का एक श्लोक याद किया था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। मैं पहले से अपना परिचय उरिचय थोड़ा ठीक से दे दूं, फिर अपना प्रोग्राम शुरू करूंगा। नाम दीपक पारीक, मूल निवासी भीलवाड़ा, कद 5'8", पत्नी 1, बच्चे 2, ताज़ा प्राप्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वजन 95 किलो, सन 2017 तक 110 किलो का लक्ष्य लिया गया है, परियोजना पर काम जारी है। ऐसा नहीं है कि मैंने वजन वजन कम करने की कोशिश नहीं की, मैंने वो सारे योग किए जो बाबा रामदेव ने एक आंख बंद करके बताए थे। नहीं, उन्होंने कहा गाजर मूली खाओ, गाजर मूली खाओ, खाने में गाजर मूली का प्रयोग करो। मैंने 6 महीने तक गाजर का हलवा बना करके खाया, 1 साल तक मूली के पराठे बना करके खाए शुद्ध देसी घी में, लेकिन वजन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक वीर रस का कवि कविता पढ़ रहा था, क्या हो गया पीछे? कुछ नहीं। अच्छा, चाय आ रही है। कुछ नहीं। हाँ, वो एक वीर रस का कवि कविता पढ़ रहा था, हिंदुस्तान शेरों का देश है। मैं पीछे बैठा था, मैं जोश में आ गया, मैंने कहा मैं भी शेर हूँ। उसने पंक्तियां वापस पढ़ी, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है पर यहाँ कहीं कहीं जंगलों में गेंडे भी पाए जाते हैं। मैंने तो अपने साले की शादी में नागिन का डांस किया था, पत्नी वही थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसा लगा? उसने कहा जी ये नागिन का डांस तो बहुत बार देखा पर ये अजगर सांप का डांस आज पहली बार ही देखा। बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, बहुत बातें हुई। पंकज भाई ने मोदी जी यूं और सबको काम किया, ऐसा किया, ऐसा किया, वो किया। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया। मारवाड़ी आदमी सबसे इंटेलिजेंट होता है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या? बोले वो अपनी हॉकी खेलने वाली टीम जहाँ जाती है वहीं से हार के आती है, जहाँ जाती है वहीं से हार के आती है। मैंने कहा गलत तरीके से खेलोगे तो हारोगे। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा सबको पता है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है तो फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की क्या जरूरत है। मैं देश में ही खेलो नहीं हारोगे। बोले एक और समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले वो जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से ही सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बोले दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा मैंने मार दिया घर बैठे ही बहुत पहले। उन्होंने कहा कैसे? अब बात के मजे लेना। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को जीवने के लिए बुलाया, अमिताभ बच्चन तक को बुलाया, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, एपली खान, पेपली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया। मुझे नहीं बुलाया, जब से ही मेरे लिए मर गया। जरा एक बार जोरदार ताली बजाओ। मैं 5-7 पंक्तियों से ऐसे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं कि देश में टेंशन बहुत बढ़ गई है, सब्जियों की कीमत आसमान पर चढ़ गई है, इंद्राणी जेल में बैठी बैठी रो रही है, 5-5 पति होने के बावजूद जमानत तक नहीं हो रही है, सजा भी हो सकती है तलवार लटकी है, सजा भी हो सकती है तलवार लटकी है, अब आप ही बताओ निर्मल बाबा कृपा कहाँ अटकी है। तो उन्होंने कहा रहे लोग बिना वजह ही डर रहे हैं, तो उन्होंने कहा रहे लोग बिना वजह ही डर रहे हैं, इस देश का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता जब तक आशाराम बापू नारायण साई जैसे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने तो उनकी तपस्या का फल भी दे दिया है, भगवान ने तो उनकी तपस्या का फल भी दे दिया है। मुंबई में जाकर देख, राधे माँ ने अवतार ले लिया है, सीधे वहीं पहुंच जाओ। अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद देना। सीधे वहीं पहुंच जाओ जिनकी बुद्धि भटकी हुई है, राधे माँ को गोद में उठाओ, कृपा वहीं अटकी हुई है। हाँ, ये पंकज भाई पाकिस्तान की जबरदस्ती टेंशन ले रहा था। हाँ, मैंने 4 पंक्तियों में सलटा दिया पाकिस्तान को। मैंने कहा रहा सुन रहे मियां नवाज, उसको नवाज साहब थोड़ी कहेंगे क्या? मैंने कहा रहे सुन रहे मियां नवाज,
आजा अपनी हरकतों से बात, वरना हम भी सारी हदें तोड़ देंगे और हमारे यहाँ जितने भी भ्रष्ट नेता है सबको पाकिस्तान में छोड़ देंगे। जिस दिन हमारे यहाँ के भ्रष्ट नेता पाकिस्तान में आ जाएंगे, जितना तू अमेरिका से भीख मांग कर लाया सारा का सारा 10 दिन में खा जाएंगे। और अपनी पर आ गए तो सब कुछ उलट पुलट उलट पुलट करवा देंगे। अगले चुनाव में फर्जी वोट डलवा कर तुझको चुनाव हरवा देंगे। वो हमारे वहां नगर परिषद वाले रावण का पुतला बनाते हैं दशहरे के दिन। हाँ, वो रावण का पुतला बनाते हैं। उस रावण के पुतले को जब खुद रावण ने बनते हुए देखा होगा तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। हाँ, आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, बस कविता समझ में आ जाएगी। कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम, त्राही माम, आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं चल रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी। ताली बजाओ यार ढंग से। इस कविता का यहाँ के पार्षदों से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी। पैसे खा कर मेरी मूछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकाल कर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी। देख देख के हंसती है जनता सारी, ये रावण है कोई भिखारी? हे प्रभु आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा, हे प्रभु आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा? इन्होंने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक ढंग के नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का पार्षद हो हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ ये कैसा अभिशाप है, हे त्रिलोकीनाथ ये कैसा अभिशाप है? देश राम का है और लोग रावण के भी बाप है, देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। मेरी किस्मत हमेशा ही खराब रहती है, कविता पर ताली कम बजती है थोड़ी। वो मेरे मोहल्ले में चोर आ गया, चोर को सब मोहल्ले वालों ने पकड़ के मारा पीटा, मैंने भी जोश जोश में 2-4 हाथ मार दिए और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया। रात को 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए, लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन अपने अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं है, मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा, घर जाना। तो उसने कहा अच्छा पुलिस को बुलाना। मैंने मन ही मन इष्ट देव को याद किया, जेब में हाथ डाला और एक 50 का नोट निकाल के चोर को दिया। हालांकि 50 रुपए आप लोगों के लिए कोई खास बात नहीं है, लेकिन दिनेश देसी घी है, मैं हूँ, 2-4 लोग, हम क्या मास्टर है, मास्टर, और आप जानते हैं मास्टर तो आज ही इंदौर के बस स्टैंड पर हम तीनों ही जूस पी रहे थे। मास्टर होके जूस पी रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और जूस पीने का तरीका देखना, एक ही जूस की गिलास में 3 नलियां फंसा करके जूस पी रहे हैं, ऊपर से 2 भिखारी और आके बोले मार से आए आए बोला। जब दया नहीं आई अपन लोगों को तो भिखारियों ने अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा और सुधार किया, बोले दिनेश जी ये दिनेश देसी घी को दया आ गई, बोलो तुम दोनों को भी जूस पीना, बोले हाँ तो जाओ 2 नलियां और ले आओ। हमारे वहां तो सब्जी खरीदने वाली से सब्जी खरीदते समय रुपए 2 रुपए कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं ये मास्टर है। और सब्जी वाली बतावे 10 रुपए किलो और वो बतावे 5 रुपए किलो तो समझ लो हेड मास्टर है।
और उसी सब्जी को पूरे सब्जी मंडी में घूमकर 3 रुपए किलो में कोई ले आवे तो समझ लो जिला शिक्षा अधिकारी है। और बात के मजे अब लेना, पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 5-7 भिंडी, 5-7 मिर्ची, 5-7 टमाटर के साथ अगर फोकट में सब्जी वाली को भी ले आवे तो समझ लो ये शिक्षा मंत्री है।